विधायक चायल संजय कुमार गुप्ता ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लॉकडाउन पर पांचवें दिन अपने केपीएस रसोई से खाना बनवाकर लंच पैकेट के माध्यम से चायल के विभिन्न गांव में जाकर जिला प्रशासन के माध्यम से अपने मंडल अध्यक्ष व सेक्टर संयोजक के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। भरवारी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में विवेक श्रीवास्तव के माध्यम से भोजन जगह जगह बांटा गया। काजू में मंडल अध्यक्ष राम मिलन चौधरी के माध्यम से उनके प्रत्येक गांव में भोजन वितरित किया गया। मूरतगंज में मंडल अध्यक्ष मनोज शुक्ला के माध्यम से भोजन वितरित किया गया। चायल में गुलाब सिंह पटेल व जिला महामंत्री किसान मोर्चा पुष्पराज पटेल के माध्यम से जगह जगह पर भोजन वितरित किया गया और सराय अकील में जिला मंत्री उमेश केसरवानी व सभासद अखिल रस्तोगी और गोलू केसरवानी के माध्यम से कटरा सहित कई जगहों पर भोजन जरूरतमंदों को वितरित किया गया। नेवादा मंडल अध्यक्ष विवेक शुक्ला व मंडल उपाध्यक्ष कमलेश के माध्यम से जगह जगह पर भोजन वितरित किया गया। नमस्कार, आज माननीय योगी जी के घोषणा के क्रम में राशन वितरण का कार्य शुरू हुआ है। राशन का वितरण सही तरीके से हो, मैंने अपने विधानसभा में हर कोटेदार के यहां अपने एक एक कार्यकर्ताओं को लगाया। मनरेगा जॉब कार्ड धारक हो, चाहे अंत्योदय कार्ड धारक हो, चाहे पंजीकृत श्रमिक हो, सबको फ्री राशन उपलब्ध कराया गया है। और अन्य जितने कार्ड धारक हैं उनको 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल प्रति यूनिट 5 किलो ये भी उपलब्ध कराया गया है। आज बहुत अच्छे से राशन वितरण हुआ है। कुछ जगहों पर शिकायत आई है, एक कोटेदार घड़तौली में उसकी शिकायत आई जिस पर कार्रवाई हो रही है। एक कोटेदार जिसने खोला ही नहीं था, तुरंत अधिकारियों को भेजा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। कहीं पर भी पूरे विधानसभा में राशन वितरण में कोई धांधली नहीं होने पाई है। हम लोग चौकीदार बनकर आज इस चीज की चौकसी किए हैं और अपना ये संकल्प है अपने विधानसभा में न राशन की कमी होने पाएगी, न संसाधन की कमी होने पाएगी, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। माननीय मोदी जी के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में एक एक व्यक्ति की चिंता की जा रही है।